जय हिंद दोस्तों, यह ढोणाडीह रेलवे स्टेशन है जो कि गाजीपुर ज़िले में आता है। यह स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। सामने आपको स्टेशन का प्रवेश द्वार दिख रहा होगा। आइए अब स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं हमें टिकट खिड़की दिखेगी, जहां हम यात्रा करने के लिए ट्रेन की टिकट प्राप्त कर सकते हैं। टिकट खिड़की के ऊपर किराया सूची व ट्रेन की समय सारणी का बोर्ड लगा हुआ है। यहां यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बना हुआ है, जहां यात्री बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ढोणाडीह रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म व तीन ट्रैक है। यह स्टेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है। ढोणाडीह रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। यह स्टेशन वाराणसी गाजीपुर सिटी छपरा रेलखंड पर स्थित है। ढोणाडीह रेलवे स्टेशन यूसुफपुर और करीमुद्दीनपुर के बीच में पड़ता है। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव होता है। कोरोना महामारी की वजह से इस रूट पर किसी भी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है। इस वजह से अभी यहाँ किसी भी पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है। लॉकडाउन से पहले यहाँ अप में 5 पैसेंजर ट्रेनों व डाउन में 4 पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव था। ढोणाडीह रेलवे स्टेशन से गाजीपुर सिटी स्टेशन की दूरी 26 किलोमीटर, यूसुफपुर की दूरी 7 किलोमीटर, ओडिहार जंक्शन की दूरी 66 किलोमीटर, वाराणसी सिटी की दूरी 98 किलोमीटर, चितबड़ा गांव की दूरी 21 किलोमीटर, फेफना जंक्शन की दूरी 27 किलोमीटर, बलिया की दूरी 37 किलोमीटर है। यहां पर स्टेशन के नए भवन, प्लेटफॉर्म व फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना है। आने वाले दिनों में इस स्टेशन पर हर प्रकार की यात्री सुविधाएं देखने को मिलेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, ताकि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके और हमारे इंडियन रेलवे पहले की तरह पटरियों पर दौड़ सके। आई होप कि ढोणाडीह रेलवे स्टेशन की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद।